हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो, 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 भागो। कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, है ना बाबा? क्योंकि बुरे काम का हमें बुरा ही फल मिलता है। यही तो ईश्वर का न्याय है। लेकिन साईं बाबा, हम जो बुरा काम करते हैं वो सब भगवान को कैसे पता चलता है? वो सब देखता है लक्ष्मी की माँ, वो सब देखता है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने के बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कहे मीठे शब्द उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं। फिर हारा हुआ वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से जिंदगी का सफर काटने लगता है। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम। रुक जाओ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो, भागो, भागो। कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो, मार दो हमें। लेकिन मारने से पहले सोच लो, तुम्हारा भी एक परिवार होगा, पत्नी होगी, राजेंद्र जैसा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, फिर तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे परिवार का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। वो देखो, तुम्हारी मौत घोड़े पर चलकर आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। किसी भील को यहां से जाते हुए देखा आपने? ये कौन है? ये मेरा भाई है। इसने कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है। मैं तो तुम लोगों की जान लेना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। जान ली नहीं जाती दोस्त, जान तो दी जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम जो काम करने आए थे उसे पूरा करो। मार डालो हम सबको। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ। जो दिल से साईं बाबा की शरण में जाता है बाबा उसका उद्धार करते ही करते हैं।